वाराणसी में भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। बीएचयू छात्रों ने प्रदर्शन किया है तो सीए के विरोध में छात्रों का यह प्रदर्शन। जामिया एएमयू के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है तो सीए के विरोध में छात्रों ने यह प्रदर्शन किया है। तो अब वाराणसी में भी छात्र सड़कों पर उतरे हैं। पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। तो इस तरह के साफ तौर पर बैनर लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए तो हिंदुत्व फांसीबाद मुर्दाबाद। तो साफ तौर पर अब वाराणसी के छात्र भी सड़कों पर उतरकर हाथ में बैनर लेकर, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, बिल हो या फिर पुलिस की कार्रवाई हो, उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो बीएचयू छात्र का विरोध प्रदर्शन, सीए के विरोध में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साथ ही जिस तरह से जामिया और एएमयू में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसका विरोध भी ये छात्र कर रहे हैं। तो किस तरह से लगातार विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं, क्योंकि अभी तक पूर्वोत्तर राज्यों में ही इस बिल को लेकर आग देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे आग किस तरह से पूरे देश में फैलती जा रही है वो तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे। से पहले 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी दिल्ली, अलीगढ़, पटना, बेंगलुरु में किस तरह से जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और अब ये वाराणसी, यूपी के वाराणसी की तस्वीर जहां पर बीएचयू छात्र अब सड़कों पर उतरे हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। ये हाथों में बैनर लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए गुस्सा किस तरह सातवें आसमान पर है वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर ये नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो आपको बता दें कि जिसका सबसे ज्यादा विरोध, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है वो इस बिल में ये कि जो अवधि है उसको 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। तो ऐसे में जो नागरिकता है उसे लेना आसान हो जाएगा।